कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जीएस पाली का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। जीएस पाली के निधन पर कांग्रेस ने 5 नवंबर तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि जीएस पाली के निधन से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वे बड़े जनाधार वाली नेता थे और कई बार मंत्री रहने के साथ ही पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे और पार्टी को मजबूत किया। राठौर ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें काफी नुकसान हुआ है, उनके साथ काफी समय काम किया है और उनके साथ अच्छे संबंध थे। राठौर ने कहा कि जीएस पाली के निधन पर उन्हें कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई और पार्टी ने उनके निधन पर अपने सभी कार्यक्रम 5 नवंबर तक स्थगित कर दिए हैं। 1 नवंबर से प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही थी, लेकिन अब ये अभियान 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रविवार को कांगड़ा में उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां वे खुद जा रहे हैं और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें, जीएस पाली 1998 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनकर आए। 2003 और 2007 में भी वह विधायक रहे। 2003 से 29 जुलाई 2007 तक उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में काम किया था। 2012 में जब वह चौथी बार विधानसभा में चुनकर आए तो उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया। कांग्रेस परिवार के लिए बहुत दुख का दिन है कि हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जिनका जनाधार था और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, पार्टी में विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया है, भाई जीएस बाली जी, जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, पिछली रात उनका जो है दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, प्रदेश को क्षति हुई है, वहां व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे बाली जी से बहुत मधुर संबंध थे। काफ़ी समय से, जब मैं प्रदेश NSOI का अध्यक्ष था, उस वक्त से मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो एक स्पष्टवादी, बेबाक व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़ुबान में होता था। आज मुझे लगता है कि एक तुषारापात हमारी पार्टी पे हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका देहांत हुआ, वो भी हमें बहुत बड़ी क्षति थी। और अब हमारे ये दूसरे नेता गए हैं। जब भी कोई इस तरह का नेता जिसका जनाधार हो, वो जो है उनका, ऐसे लोगों का निधन होता है, तो निश्चित तौर पे ये समाज की भी जो है क्षति होती है। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित किए हैं। और आज मैं कांगड़ा जा रहा हूं, कल उनकी जो है अंत्येष्टि है। उनकी अंत्येष्टि में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है हिस्सा लेंगे। हमने उनके सम्मान स्वरूप जो है पार्टी के जो कार्यक्रम है वो रद्द किए हैं। 1 तारीख से हम प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करने वाले थे, लेकिन हमने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अब 5 तारीख को जो है हम अपना सदस्य अभियान जो है शुरू करेंगे। तब तक जो है कोई भी कार्यक्रम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहीं आयोजित नहीं करेगी।